हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा। जैसे कि आप सभी को पता होगा, आज IBACO ग्रेड 2 का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि एग्ज़ाम गाइस एज़ कंपेरिजन टू प्रीवियस एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड आया था। कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे, लेकिन रियल में कहा जाए तो पेपर मॉडरेट रहा है। इस पर कट ऑफ बहुत कम जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन व्यूअर से कहना चाहूँगा जिन्होंने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब कर दें। और गाइस, मैं एकदम एग्जैक्ट आपको की दूंगा इसकी, जो आपकी बिल्कुल मैच करेगी ऑफिशियल की के साथ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें ताकि आपको पता लगे कैसे कैसे आपको क्वेश्चन करने चाहिए थे, आपके क्वेश्चन पेपर आसान था या कठिन था। तो गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन पेपर को। तो सबसे पहले मैं आपको उठाता हूँ GK का पोर्शन। तो गाइस, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन थे, कैसे कैसे करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहला क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, 2017 एशियन यूथ समिट वॉज हेल्ड फ्रॉम 14 to 19 अगस्त 2017 इन। तो गाइज, 2017 का जो एशियन यूथ समिट हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, क्वेश्चन ये था। तो गाइज, ये हमारा हुआ था MP यानी भोपाल, भोपाल में। इसका आंसर भोपाल आया गाइज। इसका दूसरा क्वेश्चन, अंडर प्रोजेक्ट नाविक सागर परिक्रमा विच विल कमेंस इन सितंबर 2017 अ टीम ऑफ वुमेन ऑफिसर, यानी वुमेन ऑफिसर की टीम ऑफ इंडियन नेवी वुड सर्कमनेविगेट द ग्लोब ऑफ ग्लोब ऑन एन इंडियन बिल्ड सेल बोट नेम। तो उस बोट का क्या नेम था जो कि वुमेन ऑफिसर के द्वारा चलाई गई? तो उस बोट का नेम था गाइस INSV तारिणी। तो उसका आंसर तारिणी आना था। इसका कौन सा ऐसा देश है वर्ल्ड में जिसने अभी फर्स्ट साइबर कोड छाट गया? तो आप पता होगा, इससे पहले कोई भी देश ने साइबर कोड यानी कि पूरा का पूरा इंटरनेट से कोड कोई नहीं चलता, तो ऐसा पहला देश बनाया गया इस जापान। तो इसका आंसर जापान आ जाएगा। इसका जब ये हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की एक संधि हुई थी, जिस संधि के तहत $500 मिलियन किसने दिए हैं? ADB। तो इसका आंसर एशियन डेवलपमेंट बैंक आना था। इसके बाद, हुआ मंग द फॉलोइंग क्रिकेटर हैज कंटिन्यू टू बी वर्ल्ड टॉप रैंक्ड वन डे बैट्समैन ऑफ द इन द लेटेस्ट ICC ओडे रैंकिंग रिलीज इन दुबई ऑन अगस्त 18, 2017। तो गाइस, अगस्त 18 को जो सूची आई थी ICC की, तो उसमें जो नंबर वन पे थे वो थे विराट कोहली। तो गाइस, अभी हाल में सितंबर में भी सूची आई है, तो इस बार भी कौन है नंबर वन पे? विराट कोहली। इसके बाद है, कौन पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता जैवलिन थ्रो में? तो पहला सब कौन सा बंदा जो जैवलिन थ्रो में क्या जीता, सिल्वर मेडल जीता? तो इसका नाम आंसर आता है गाइस रिंकू हुडा। इसका क्वेश्चन है, लोकसभा में 18 जुलाई 2017 को अचल संपत्ति का अधिग्रहण संशोधन विधेयक जो यह लाया गया था, रिक्वेस्टिंग ऑफ एक्विजिशन ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी बिल 2017। तो ये कब लाया गया था गाइस, ये कब स्टार्ट हुआ था? तो इसका आंसर आएगा 1952। तो ये 1952 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन इस पर अमेंडमेंट लाया गया, मतलब इस पर कोई बदलाव लाया गया इस वाले बिल में। इसके बाद 18 जुलाई 2017 को लोकसभा में भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान को स्थापित करने कहाँ, यानी भारत में जो इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी कहाँ पे स्थापित करने की बात करी लोकसभा में? तो इसका आंसर आएगा इस आंध्र प्रदेश। तो ये अभी हाल ही में 18 जुलाई को हुआ था ये। इसके बाद है, मानव हस्तक्षेप के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण का उदाहरण कौन, मतलब जो मानव विकास, जो मानव के हस्तक्षेप करने के कारण जो प्रजातियाँ जो विलुप्त होती जा रही थी, तो उसका आंसर है डोडो। तो उसका आंसर डोडो आना था। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलाइज सनलाइट इन अ डायरेक्ट फैशन, तो सनलाइट किसकी डायरेक्ट फैशन में आती है? तो उसका आंसर कैसे ए भी ठीक है, बी भी ठीक है। तो उसका आंसर राइट आंसर है ए एंड बी बोथ। इसके बाद वर्ल्ड यानी फोर टाइम W वर्ल्ड विल बी रिप्रेजेंट ऑफ फोर W। तो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा, हमारा जो WWW की फुल फॉर्म होती है वो होती है वर्ल्ड वाइड वेब, लेकिन ये तो सबको पता था, ये नॉर्मल बात हो चुकी है, सभी पेपर में आ चुका है। तो इस बार ये फोर W एडवांस हो गया है। तो इसका जो आंसर आना था वो आना था वर्ल्ड वाइड वेब वॉर, तो कंप्यूटर की भाषा में वॉर को बोलते हैं क्या, वायरस। इसके बाद IP वर्जन से आपको पता हो, IP दो भाग में डिवाइड होते हैं, IP वर्जन 4 IP वर्जन 6। तो IP वर्जन 4 में गाइस कुल 32 बिट होती हैं, और IP वर्जन 6 में कुल 128 बिट होती है। तो इसका आंसर आना था 128 बिट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन किस चीज़ पर रिकॉग्नाइज करता है? तो आपको पता होगा, भाषा का दावा भी करता, जाति का दावा करता, धार्मिक का दावा करता। तो इसका आंसर रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज। इसके बाद है, किस विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर रूल नंबर ऑफ हिंदूज एम्प्लॉयड और बाय एम्प्लॉयड एडमिनिस्ट्रेशन, तो किस मुगल शासक के शासनकाल में शासक के प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया था?
तो उसका आंसर था औरंगजेब। तो औरंगजेब के टाइम में बहुत ज़्यादा हिंदुओं को और क्या दिया गया था, रोजगार दिया गया था हिंदुओं को। इसके बाद जो अकबर के द्वारा मांस सवारी सिस्टम लाया गया था तो वो किस देश से लाया गया था, तो गाइस मांस सवारी सिस्टम जो कि आपको पता होगा मंगोलिया से लाया गया, तो उसका आंसर आना था मंगोलिया। इसके बाद है गाइस हमारा हु अमंग द फॉलोइंग इज सेड टू बी हैव विटनेस्ड द रीन ऑफ दिल्ली, एट दिल्ली सल्तनत, यानी कि आठ सुल्तानों की सल्तनत का साक्षी किसे कहा जाता है, तो गाइस इसे कहा जाता है अमीर खुसरो को। तो अमीर खुसरो को आप जानते होंगे, इन्हें पैरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, जो कि बहुत पेपरों में आ चुका है कि पैरेट ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है, अमीर खुसरो कहा जाता है। और गाइस भारत में तबला और सितार की जो इन्वेंशन की थी वो भी इन्होंने की, तबला और सितार की इन्वेंशन किसके द्वारा हुई थी, अमीर खुसरो के द्वारा। तो अभी आपको पता है अयोध्या जब से हमारे जोगी जी जीते, जब से अयोध्या राम मंदिर के बीच में बहुत ज़्यादा बात चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे किस आर्टिकल में रखा गया, तो इसका आर्टिकल है गाइस 143। इसके बाद आपको पता होगा अभी आर्टिकल 21 ए के तहत फंडामेंटल राइट इज इंप्लीमेंट, गोपनीय का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी किस में ऐड किया गया आर्टिकल 21 में, तो इसका आंसर क्या है हमारा राइट ऑफ लाइफ पर्सनैलिटी लिबर्टी, हमारा आंसर आएगा ये। इसके बाद इन द इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट मस्ट नोट एक्सीड, यानी दो सेशन के ज़्यादातर कितने महीनों के बीच नहीं हो सकती, तो दो सेशन ज़्यादातर कितने महीने का टाइम लेते हैं, 6 महीने, यानी 6 महीने के भीतर में कोई ना कोई सेशन कराना ही पड़ता है। इसके बाद मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति आप जानते होंगे मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल हमारा भारत सरकार भी करती है और RBI भी करती है, तो गाइस पहला जो हमारा आंसर है भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण सिर्फ भारत सरकार, तो गलत है, दोनों करते हैं इसमें करने का भूमिका RBI को, तो गलत है हमारा डिग्री, मतलब जो हमारे जो मुद्रा की जो फ्लो हो जाता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा डिग्री वाला गलत होगा, तो हमारा आंसर है राइट डी। इसके बाद निम्न मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI जिससे कि इन्फ्लेशन नापी जाती है, जिसको जिसको कौन नापता है, CSO नापता है, CSO यानी जिसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका स्टैब्लिश हुआ था सन 1951 में, तो गाइस किसके द्वारा सूचकांक लाया जाता है इसमें, तो लाया जाता है द लेबर ब्यूरो के द्वारा। इसके बाद गोल्डन रिवॉल्यूशन, तो आपको पता होगा गोल्डन रिवॉल्यूशन जो कि आपको पता होगा हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, इससे भी अगर इस हॉर्टिकल्चर भी आता है इसका आंसर एप्पल भी हो सकता है, तो किसी पेपर में एप्पल भी आया तो इसका आंसर एप्पल भी ठीक है। अब करंटली सेट टू बी ट्रैप यानी जो बंदा बिल्कुल हो जाता है गरीब, जो लेन देन में मदद नहीं कर पाता, तो इसका आंसर आएगा सी। GST आपको पता होगा अभी हाल ही में 122 अमेंडमेंट बिल के तहत आया है, जो कि भारत 166वां देश बना है GST लागू करने वाला, तो GST क्या कैसे एक इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन ठीक है। व्यापक प्रभाव को कम करेगा, ये भी ठीक है। आम घरेलू बाजार को तैयार करने का लक्ष्य ठीक है। मंदिर और पेट्रोल पर GST प्राप्त छूट प्राप्त है बिल्कुल ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा डी, यानी कि हमारा आंसर डी है, यानी कि सभी इसमें मैच करेंगे इसमें। इसके बाद क्वेश्चन द करंट डिफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड मेनली ड्यू टू, तो किसी कारण हमारे भारत में करंट अकाउंट बनता है, तो तेल और पेट्रोलियम, तो ये आंसर आएगा इसलिए ठीक है। सोना और चांदी का आयात में वृद्धि, तो ये भी हमारे बहुत फर्क पड़ता है। खाद पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लोहे उत्पाद पर कोई फर्क, तो हमारा आंसर आएगा ई और बी, तो इसका आंसर ए और बी था। तो गाइस इस वीडियो के जरिए मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन थे हमारे GK के IB में जो आज के पेपर में आए हैं, तो इस वीडियो को मैंने जरिए ये बताया। तो गाइस सबसे पहले मैं उन व्यूअर्स से कहना चाहूँगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और इसके आगे मैं अभी 1-2 घंटे में आपको रीजनिंग का पार्ट भी अपलोड कर दूँगा। तो गाइस थैंक यू, धन्यवाद।